सोमवार को सुबह इटारसी से हॉकी मैच खेलने होशंगाबाद जा रहे 7 हॉकी खिलाड़ियों की कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने से 4 की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 खिलाड़ी बुरी तरह जख्मी हो गए। दुर्घटना रैसलपुर और ब्यावरा की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार दुर्घटना में इटारसी, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर के खिलाड़ियों की मौत हुई है। इसमें शाहनवाज इंदौर, आदर्श हरदुआ इटारसी, अनिकेत वरुण ग्वालियर और आशीष लाल जबलपुर का रहने वाला था। बता दें कि इटारसी के साथ खिलाड़ियों ने रविवार को ही आदर्श हरदुआ का जन्मदिन भी मनाया था। सभी खिलाड़ी कार से अपना मैच खेलने होशंगाबाद में चल रही अखिल भारतीय मेजर ध्यानचंद हॉकी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जा रहे थे। ये लोग रविवार को भी एक मैच खेलकर इटारसी आए थे। चारों खिलाड़ी MP अकेडमी से खेलते हैं। पुलिस अधीक्षक ML छारी को नर्मदा अस्पताल में भर्ती शॉन गिडियन ने बताया कि सामने कोई वाहन आ गया था और उसे बचाने के प्रयास में उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वाहन समीप ही लगे पेड़ से जा टकराया। MP खेल अकेडमी के खिलाड़ी हैं, होशंगाबाद में हॉकी खेल में भाग लेने आए हुए थे। सुबह इटारसी से स्विफ्ट कार से बैठ के आ रहे थे होशंगाबाद। रास्ते में रैसलपुर के पास संतुलन बिगड़ने से पेड़ से टकरा कर ये घटना घटित हुई है। डायल 100 को जब ये जानकारी मिली तो सभी को लेकर के हॉस्पिटल में आए, जिसमें 4 खिलाड़ियों की डेथ हो गई। 3 खिलाड़ी इलाजरत हैं। सर, घायलों की क्या हालत है? बड़ी दुखद घटना है। घायल 3 जो घायल हैं उसमें से एक के संबंध में डॉक्टर्स जो है क्रिटिकल स्थिति बता रहे हैं, हेड इंजरी है। उम्मीद है कि घायल खिलाड़ी शीघ्र उपचार के माध्यम से स्वस्थ हो जाए। 3 घायलों में से 1 की स्थिति अभी भी गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बांड न्यूज, होशंगाबाद।